हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल थिंकिंग एंड नर्सिंग जजमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट द नर्सिंग प्रोसेस एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जिसके अंदर हम नर्सिंग में क्रिटिकल थिंकिंग का किस तरह से इम्पोर्टेंस है ये स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं क्रिटिकल थिंकिंग एंड नर्सिंग जजमेंट। हेयर क्रिटिकल थिंकिंग एंड नर्सिंग जजमेंट जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। हेयर नर्सिंग इज़ एन अप्लाइड साइंस एंड एक्टिविटी ओरिएंटेड। इस नर्सिंग प्रोफेशन है वो बेस्ड ऑन द अप्लाइड साइंस है और दिस इज एक्टिविटी ओरिएंटेड है। मेजर पार्ट ऑफ नर्सिंग इज़ अबाउट डूइंग एंड इट्स रिलाइज ऑन थिंग। मीन्स नर्स का जो भी मेजर एक्टिविटी है वो डूइंग एक्टिविटी है। मीन्स डिफरेंट टाइप के नर्सिंग प्रोसीजर, नर्सिंग एक्शन परफॉर्म करना, और ये सारे बेस्ड होते हैं थिंकिंग। मीन्स में जो भी प्रोसीजर करना है, इंटरवेंशन देना है, सब कुछ सोच विचार कर। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पॉइंट। हेयर क्रिटिकल थिंकिंग इज ए ब्रॉड टर्म विच इंक्लूड रीजनिंग। इस क्रिटिकल थिंकिंग जिसके अंदर हम अपनी रीजनिंग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, क्रिटिकल जजमेंट आर की एलिमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन नर्सिंग। मीन्स नर्सिंग में क्रिटिकल जजमेंट एक की एलिमेंट होते हैं फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस। नेक्स्ट, क्रिटिकल जजमेंट रेफर टू द रिजल्ट और आउटकम्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। द कंक्लूजन, डिसीजन एंड ओपिनियन द नर्स मेक। क्रिटिकल जजमेंट जो कि क्रिटिकल थिंकिंग का रिजल्ट होते हैं। मीन्स जो भी हम सोच, किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन सोचते हैं, और लास्ट में फाइनली हम एक जजमेंटल रिजल्ट पर पहुँचते हैं, तो ये बेस्ड होता है। मीन्स अवर थिंकिंग्स, डिसीजन, कंक्लूजन जो भी हमारा बेस्ट है। तो नर्स भी सेम टाइप में अपने क्लिनिकल जजमेंट को बेस्ड करता है इन क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट, यूजिंग क्रिटिकल थिंकिंग टू डेवलप ए प्लान ऑफ नर्सिंग रिक्वायर कंसीडरिंग द ह्यूमन फैक्टर दैट माइट इन्फ्लुएंस द प्लान। मीन्स इन नर्सिंग केयर प्लान, हम जो नर्स होता है वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से उसको डेवलप करता है और कंसीडर करता है पेशेंट को एज ह्यूमन बींग, और उसका क्रिटिकल थिंकिंग जो भी पूरा प्लान पे एक तरह से इन्फ्लुएंस होता है। मीन्स किस तरह से नर्स ने प्लान डेवलप किया है, किस तरह से वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट, द नर्स इंटरेक्ट विद द पेशेंट, फैमिली एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर। नर्स है जो मीन्स पेशेंट से इंटरेक्ट होता है, फैमिली मेम्बर से और अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, जो भी उसका नर्सिंग केयर प्रोसेस है, और ये सारा जो इंटरेक्शन है, केयर एक्टिविटी है, डूइंग है, इंटरवेंशन है, ये सारी चीज़ बेस्ड होते हैं ऑन क्रिटिकल थिंकिंग। द नेक्स्ट, द कल्चर, एटीट्यूड एंड थॉट प्रोसेस ऑफ द नर्स, द पेशेंट एंड अदर विल अफेक्ट द क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस फ्रॉम द डाटा गैदरिंग स्टेट थ्रू द डिसीजन मेकिंग स्टेट। देयरफॉर एस्पेक्ट ऑफ नर्स पेशेंट इंटरेक्शन मस्ट बी कंसिडर्ड। मीन्स इन क्रिटिकल थिंकिंग नर्स पेशेंट का इंटरेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स फॉर द कलेक्शन ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा। मीन्स ये सारे बेस्ड होते हैं ऑन नर्स का क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह का है, वो किस तरह से डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा रिलेटेड टू पेशेंट इंफॉर्मेशन, और ये सारा नर्स को अपने एक क्रिटिकल थिंकिंग बेसिस करना होता है। लास्ट पॉइंट है, द नर्स मस्ट यूज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल इन ऑल प्रैक्टिस सेटिंग, अक्यूट केयर, एम्बुलेटरी केयर, एक्सटेंडेड केयर एंड इन होम एंड कम्युनिटी सेटिंग्स। नर्स अपने क्रिटिकल थिंकिंग का यूज
सभी जगह करता है जहाँ पर वो केयर करता है, जैसे कि अक्यूट केयर सेटिंग्स, एम्बुलेटरी केयर सेटिंग्स, एक्सटेंडेड केयर सेटिंग्स और होम एंड कम्युनिटी बेस्ड सेटिंग। तो ये था क्रिटिकल थिंकिंग एंड नर्सिंग जजमेंट, मींस ऑल द नर्सिंग जजमेंट बेस्ड ऑन मेनली द नर्सेज रीजनिंग थिंकिंग पावर, दैट मीन्स द क्लिनिकल जजमेंट बेस्ड ऑन द क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा, इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल अनंत नर्सिंग फाइल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन ऑल्सो। थैंक यू।